Good morning, students. In the last video, we discussed about the addition of vectors in which the two or more vectors, instead of two or more vectors, we consider a single vector, and effect of the different vectors and that single vector that was same. Now, in this video, we are going to discuss about resolution of vector, which is exactly the reverse of addition of vectors. If we have one single vector and we split it into two or more components, two or more vectors, such that the effect of the single vector and that splitted vectors is same, then we call it a, we said that we have resolved the vector. Suppose we have a vector, single vector, say A vector, and we resolve it into two vectors. These form the triangle, and the effect of P and Q is same as that of the vector A. It means the P and Q both will produce the same effect which the alone A would produce. So P and we can say that we resolved A vector into two vectors, P and Q vector, and the vectors which we get, means the P and Q vectors, they are called components of vector A. So it is the process of splitting, split karna, breakdown karna of a vector into two or more vectors, such that the their combined effect is same as that of given vector. Means jo A vector ka effect hoega, wo same hoega P or Q ke combined effect ke equal hoega. Now, ab ye to jo resolving hai, wo kisi bhi direction mein exist kar rahi hai. Agar hum ek vector ko, humare paas ek vector hai, ये हमने पैरलोग्राम लॉ जैसे स्टडी किया था. सपोज ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं पैरलोग्राम की. इस सिंगल वेक्टर को हमने इस पी और क्यू वेक्टर की टर्म्स में रिजॉल्व कर लिया. अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हुए, अगर जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं आपस में परपेंडिकुलर हुए, देन दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. उनको हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. और एक वेक्टर को हमने जो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. अगर हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात करें, तो ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो अगर हम x एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर ले, उसको डिनोट करते हैं आई ऐसे डॉट, ऊपर ये ऐसे कैप, इसको बोलते हैं आई कैप. जो जे वाई एक्सिस की तरफ वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको बोलते हैं जे कैप. जो जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं के कैप. नाउ इसको हमने ऐसे क्यों डिफाइन किया है, सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो x एक्सिस की तरफ 3 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम उसके लिए डिस्टेंस की इक्वेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट अगर लिखनी है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे. एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, वेक्टर हमेशा दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, एक तो वन इज द मैग्नीट्यूड, अदर इज द डायरेक्शन. एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन. वेक्टर नीड्स टू थिंग्स टू रिप्रेजेंट. तो अगर हम कहें कि 3 मीटर का डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड 3 है और एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उस डायरेक्शन को हम क्या लिख देते हैं, आई कैप. उसको हम लिख देते हैं आई कैप. सो दिस इज द रोल ऑफ दीज वेक्टर्स, द आई कैप, द जे कैप, के कैप. दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 एक्सिस, और इन वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स है. यूनिट वेक्टर्स अलोंग 3 mutually perpendicular axes, जो तीनों आपस में perpendicular axes हैं, उनके along ये unit vectors हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं base vectors. They are called base vectors. Now, अब हम 2 dimensions में एक rectangular components जो हैं एक vector के find out करेंगे. हमने find out करने हैं अब rectangular components. Rectangular components का मतलब क्या है, कि हमने एक गिवन वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, उन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे. तो वी हैव टू फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर.
For this, we consider two mutually perpendicular axes. Let x-axis and y-axis, and we have a vector P. Let the point be P. This P vector is there, and we have to resolve it along the perpendicular components. Suppose ये हमारा origin है, A है, और जो vector है, वो x-axis के साथ theta angle form कर रहा है. तो हमने इसको वेक्टर को रिजोल्व करना, वेक्टर को हम ए वेक्टर ले लेते हैं, पॉइंट हमने पी ले लिया. तो एक ए वेक्टर है जिसको हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजोल्व करना है. नाउ इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस पॉइंट को हमने सपोज एम ले लिया, इसको इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट को हमने एन ले लिया. जो ये डिस्टेंस आता है हमारे पास ओ एम, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन. जो हमने कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डिस्टेंस आ गया, इसको बोलते क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस, या प्रोजेक्शन ऑफ पी ऑन, इसको आप बोल सकते हो ओ एक्स, जैसे भी. ओ एन, हम ओ एन को हम क्या बोलेंगे, ओ एन. डिस्टेंस क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पी, पी पॉइंट की प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन y एक्सिस. तो जो a वेक्टर है, सपोज हमने इसको दो वेक्टर्स में रिजोल्व किया, जो प्रोजेक्शन है वो x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड शो करती है. इस तरफ हमारे पास कंपोनेंट जो एक आएगा x एक्सिस a वेक्टर का, उसको हमने ax ले लिया. जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा उसको हमने ay ले लिया. जैसे कि हमने पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है, जो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एक्स ए वाई, उनका रिजल्टेंट क्या होएगा, डायगनल पासिंग थ्रू दैट सेम पॉइंट. तो डायगनल क्या है, ए वेक्टर. तो अब यहाँ पे हमारे पास रिवर्स है, हमें ए वेक्टर हमें पता है, हमने उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए ए एक्स ए वाई जो कि आपस में परपेंडिकुलर है. तो ओ एम जो है, ओ एम वेक्टर अगर हम ले, वो हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो हमें ए एक्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ए एक्स क्या चीज है, ax है क्या, that is component of a, ax is what, component of a along x axis. और a o m को otherwise बोलते क्या है, projection of p बोलते हैं. similarly जो projection of p on y axis है, o n vector है, वो हमें किसकी value provide करेगा, a y की. a y क्या चीज है, a y क्या है, component of a है, component of a along y axis. अब आप देखो हमने यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लॉ का रिवर्स किया है. पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए एक्स ए वाई, हमने बोला उनका रिजल्टेंट अलॉन्ग द डायगनल है, हमने ए वेक्टर ले लिया. यहाँ पे ए वेक्टर हमारे पास है, हमने उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ले लिए ए एक्स ए वाई. तो अब हमारे पास देखो पैरेललोग्राम लॉ अगर हम अप्लाई करें बाय पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंगली जो ए वेक्टर है वो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर का सम होएगा. यही हमारे पास स्टेटमेंट होती है पैरेललोग्राम लॉ की, कि जो रिजल्टेंट है वो दो एडजेसेंट साइड्स के सम्स के इक्वल है. नाउ वी कैन राइट इट एज ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर को, ए एक्स मैग्नीट्यूड है, आई कैप उसकी डायरेक्शन है. आई कैप क्यों, बिकॉज इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. सिमिलरली ए वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई वैक्टर को, ए वाई इंटू जे कैप, जे कैप बिकॉज इट इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस. नाउ लुक इन ट्राइंगल ओ पी एम. अब हम ए एक्स ए वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि हमें गिवन क्या होएगा, ए होएगा, थीटा गिवन होएगा. अब ए एक्स क्या है इन ट्राइंगल ओ पी एम, इन ट्राइंगल ओ पी एम. अब आप देखो हमें, अगर हमें ये रेशियो चाहिए हुए ओ एम इज टू ओ पी. अब आप देखो ओ एम इज टू ओ पी, ओ एम क्या है यहाँ पे, इट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. ओ पी क्या है, इट इज hypotenuse ऑफ द ट्राइंगल. बेस ओ एम किसके इक्वल है,
ए एक्स के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओ पी ए के इक्वल है, और बेस टू हाइपोटेन्यूज की रेशियो हमारे पास क्या आएगी, कॉस थीटा। ये रेशियो क्या होएगी, कॉस थीटा। इसका मतलब एक्स ए एक्स कंपोनेंट को हम लोग ए की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। सिमिलरली आप देखो, अगर हम ये रेशियो लें, यहाँ पे तो हमने ओ एम अपॉन ओ पी लिया था, अगर हम पी एम अपॉन ओ पी लें, आई एम राइटिंग इट जस्ट हेयर, अगर हम लोग पी एम अपॉन ओ पी कंसिडर करें, तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज साइन थीटा। तो पी एम इज वॉट, इट इज ए वाई, एंड ओ पी इज वॉट ए, तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। तो ए वाई, वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, ए साइन थीटा। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, लुक एक इक्वेशन तो आ गई ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई क्या आ गया, ए साइन थीटा। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक एक्स कंपोनेंट, एक हमारे पास आ गया यहाँ पे वाई कंपोनेंट। नाउ दीज आर टू इक्वेशंस, नाउ वी विल स्क्वायर एंड ऐड द टू इक्वेशंस। नाउ इफ वी स्क्वायर एंड ऐड, बट वी गेट लेफ्ट हैंड साइड ए एक्स स्क्वायर, द सेकेंड इक्वेशन ए वाई स्क्वायर, द राइट हैंड साइड इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा ही लिखा हमने, हमारे पास कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। तो हमारे पास ए का एक्सप्रेशन, ए की वैल्यू, ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ वी कैन, इफ वी डिवाइड द सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया ए का ए एक्स और ए वाई की टर्म्स में। नाउ इफ वी डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, देखो ए वाई अपॉन ए एक्स, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। तो ए विल कैंसल आउट, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की रेशियो क्या होती है, टैन थीटा। इस वी हैव स्टडीड इन बेसिक मैथमेटिक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा, इट इज ए वाई अपॉन ए एक्स। दिस थीटा गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ ए वाई एंड ए एक्स। तो दिस इज द वे हाउ वी रिजॉल्व अ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एक्स एंड ए वाई। हमारे पास उसका रिलेशन भी आ गया कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ए का, ए मैग्नीट्यूड ए एक्स ए वाई की टर्म्स में किसके इक्वल आएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट। और दूसरी चीज हमने पढ़ी, जो टैन थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स के। नाउ लुक बच्चे, जो एक्स कंपोनेंट है ए एक्स, वो हमारा किसके इक्वल आया है, ए कॉस थीटा के। तो एक्स कंपोनेंट हमारा कॉस वाला कंपोनेंट है, जो हमारा वाई कंपोनेंट है वो हमारा साइन वाला कंपोनेंट है। तो ये सिचुएशन है कि जब हमने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर को रिजॉल्व किया है, और जो थीटा है वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म हो रहा है। इन जनरल इसका क्या रूल होता है कि कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर है, हमने उसको रिजॉल्व किया किसी भी डायरेक्शन में, तो दोनों कंपोनेंट्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जिस तरफ एंगल थीटा बन रहा है उस तरफ कंपोनेंट हमेशा कॉस वाला आएगा, और जिस तरफ एंगल थीटा नहीं बन रहा उस तरफ जो कंपोनेंट है वो हमेशा साइन वाला आएगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही होए, और ये भी जरूरी नहीं होता कि थीटा एंगल एक्स एक्सिस के साथ होए। तो अगर इन जनरल हमें बस ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हम एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो जिस लाइन की कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, ये आ गया ए वेक्टर सपोज, ये हमारा थीटा है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, इस तरफ कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन रिजॉल्व अ सिंगल वेक्टर इनटू टू वेक्टर्स बाय दिस मेथड, एंड द कंपोनेंट्स सो ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू।